दोस्तों भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच पहला T20 का मुकाबला जैसा कि 6 अक्टूबर को खेला गया था और पहला मुकाबला हमारे भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने बेहतरीन तरीके से जीत लिया। बांग्लादेश की टीम को धज्जियां उड़ाकर रख दी और पहले T20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव, तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन का बल्ला मैदान पर बेहतरीन तरीके से चला। तो भाई हर्षदीप सिंह और तूफानी विस्फोटक गेंदबाज, आप सभी को बता दें मयंक यादव ने भी ताबड़तोड़ विस्फोटक गेंदबाजी की। भारतीय टीम के तूफानी शेरों ने पहला T20 का मुकाबला जीतकर ऐतिहासिक पारी खेली। लेकिन दोस्तों अब दूसरा T20 का मुकाबला होने वाला है। ये मुकाबला कब होगा, कहां पर होगा और प्लेइंग 11 में कौन कौन से गौतम गंभीर ने बदलाव किए हैं? दोस्तों प्लेइंग 11 में गौतम गंभीर ने कौन कौन से बदलाव किए हैं, कौन नया युवा बल्लेबाजों को दूसरे T20 में खेलने का मौका दिया है और कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, सब कुछ आपको बताएंगे। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों जैसा कि पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तो वहीं तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, घातक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह जैसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज थे। जहां पर भारतीय टीम ने तूफानी विस्फोटक घातक बल्लेबाजी करते हुए पहला T20 का मुकाबला जीत लिया था। दूसरे T20 मुकाबले में बांग्लादेश की टीम दूसरा T20 का मुकाबला हर हाल में जीतना चाहेगी। यहां पर बांग्लादेश के जो कोच हैं उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में काफी बेहतरीन दिग्गज बल्लेबाजों को टीम इंडिया में सिलेक्ट किया है और हमारे जो भारतीय टीम के जो बेहतरीन विस्फोटक कोच हैं गौतम गंभीर, उन्होंने प्लेइंग 11 में कुछ भी बदलाव नहीं किया है क्योंकि उन्हें अपनी टीम पर भरोसा है, उन्हें अपने बल्लेबाजों के ऊपर भरोसा है, उन्हें अपने गेंदबाजों के ऊपर भरोसा है। भारतीय टीम के सामने अगर जो है बांग्लादेश की टीम ज्यादा देर तक पहली बार टिकी नहीं पाएगी क्योंकि बांग्लादेश की टीम को यही नहीं पता कि भारतीय टीम के सामने जब तक हम बोर्ड पर 200-250 रन नहीं लगाएंगे T20 के मुकाबले में तब तक भारतीय टीम के ऊपर कोई दबाव नहीं बनेगा। क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम के सामने अगर 200-250 रन है T20 के मुकाबले में तो भारतीय टीम जो है प्रेशर से खेलती है, लेकिन जब भारतीय टीम के 100-150 रन सामने हो तो भारतीय टीम मौज मस्ती में खेलती है। और देख रहे हैं दूसरा T20 का मुकाबला भी हमारी भारतीय टीम जीतेगी। ओपनिंग करेंगे संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, फिर बल्लेबाजी करेंगे हार्दिक पांड्या, तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव जैसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज, गेंदबाजी भी वही बल्लेबाज गेंदबाजी करेंगे और बल्लेबाज भी वही भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करेंगे। आप लोग ईश्वर से दुआ कामना बना रखें कि दूसरा T20 मुकाबला भी हमारी भारतीय टीम जीते और तीसरा T20 का मुकाबला जब हो वो भी हमारी भारतीय टीम जीते। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।